हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरजीत की रसोई। आज हम एक ऐसा ऑल पर्पस क्लीनर बनाएंगे जिससे किचन की और घर की क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके लिए एक बाउल लेंगे और इसमें एक कप साफ पानी डाल लेंगे और साथ ही इसमें 1/4 कप विनेगर डालेंगे। ये मैंने वाइट विनेगर लिया है जो कि हम चाइनीज डिशेज बनाने में यूज़ करते हैं, जिसे सिरका भी कहते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जिसका यूज़ हम केक बनाने में करते हैं। और 1 टीस्पून इसमें लिक्विड डिश वॉश डालेंगे। आप कोई भी बर्तन धोने वाला जेल जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो डाल दें। अब इसको हिला लेंगे, इससे थोड़ी जग आ जाएगी पर थोड़ी देर में ही ये सेटल हो जाएगी। इसमें अब हम लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालेंगे, ये ऑप्शनल है। इसके डालने से खुशबू अच्छी आ जाती है। इसकी 7-8 ड्रॉप्स डाल लेंगे। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, अगर आपको ना मिले तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जब इसकी झाग सेटल हो जाए तो आप इसे एक बोतल में डाल दें, कोई भी स्प्रे बोतल आपके पास रखी हो उसमें डाल लें। अगर ना हो तो इस तरह की एक बोतल ले लें, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, उसमें इसको डाल देंगे। अब ये हमारा ऑल पर्पस क्लीनर तैयार हो गया है। इससे हम किचन की और घर की सफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका यूज़ करके आप किचन के ड्रॉर्स जहाँ पर सनमाइकर लगा हो उसे साफ कर सकते हैं, किचन की टाइल साफ कर सकते हैं, फ्लोर टाइल साफ कर सकते हैं। इससे काम आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है। जैसे कि अब फेस्टिवल है तो पूरे घर की सफाई भी करनी है, सफाई के अलावा भी बहुत से काम होते हैं इस समय। अगर क्लीनिंग का काम आसान हो जाएगा तो टाइम बच जाएगा, तो बाकी के कामों को भी हम टाइम दे सकेंगे। इसी क्लीनर से हम वॉश बेसिन भी साफ कर सकते हैं और नलके भी साफ कर सकते हैं। क्लीनिंग की एक और वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, क्लीनिंग विद विनेगर एंड बेकिंग सोडा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसी क्लीनर से हम सिंक को भी साफ कर लेंगे। सा क्लीनर डालेंगे और सिंक को साफ कर लेंगे। जहाँ ज़्यादा गंदा हो वहाँ इस क्लीनर को लगाकर 10 मिनट छोड़ दें, उसके बाद इसे साफ करें। किचन कबर्ड या कैबिनेट जिन पर ग्लास लगा होता है उसे भी इसी क्लीनर से साफ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। इसे आप बनाकर भी रख सकते हैं, काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं इसे आप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।